तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ब्राजील में। तो अभी हाल ही में 15 मार्च को ब्राजील के कुटिबा में ब्राजील की अध्यक्षता में ही पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक संपन्न हुई है। अच्छा, पहली है तो इम्पोर्टेंट बनेगी, और इसकी मैंने बताया अध्यक्षता भी किसने की है, ब्राजील ने ही की है। अच्छा गुरुजी, भारत को इसमें से किसने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे? तो आर्थिक संबंधों के सचिव, इंग्लिश में बोलेंगे तो सेक्रेटरी ऑफ इकोनॉमिक रिलेशन हमारे कौन है, TS त्रिमूर्ति ने भारत को रिप्रेजेंट किया इस बैठक में। अच्छा, इस प्रश्न में से दो इंपॉर्टेंट टर्म निकल के आती है, ब्रिक्स और ब्राजील। तो पहले आप ब्रिक्स को देखिए, देखो ब्रिक्स का मतलब क्या हो गया, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे आखिरी में ब्रिक्स में साउथ अफ्रीका जुड़ा था गुरुजी, कब, 2011 में। अच्छा मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है, 2018 जुलाई में ब्रिक्स की जो 10वीं समिट हुई थी ना, वो कहाँ पे हुई थी, कोई बता सकता है मुझे? हिंट चाहिए क्या आपको? चलो मैं आपको हिंट देता हूँ, ब्रिक्स में सबसे आखिरी में कौन सा देश जुड़ा था, वहीं पे ये समिट हुई थी। तो समझ गए होंगे, अभी अभी तो मैंने आपको बताया आंसर पहले, यानी कि साउथ अफ्रीका सबसे आखिरी में जुड़ा था, वो भी 2011 में। तो ब्रिक्स की समिट 10वीं 2018 में जो हुई थी जुलाई में, वो कहाँ पे हुई थी, साउथ अफ्रीका में हुई थी। चलो फिर आप मुझे बताओ 2019 में ब्रिक्स की जो अगली समिट होगी, 11वीं समिट, वो कहाँ पे होगी? तो फिर आंसर होगा ब्राजील में। चलो फिर आप मुझे बता दो 2020 की कहाँ पे होगी, और वो कौन सी समिट होगी, 12वीं समिट, तो फिर आंसर होगा रशिया में। अच्छा गुरुजी ये तो बताओ कौन सी डेट को होगी, तो डेट अभी फिक्स नहीं है, बस आप साल ध्यान रख लो और कहाँ पे होगी ये ध्यान रख लो, वो बहुत है। ब्रिक्स देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राजील। ये रहा ब्राजील, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, जैसा आप देख के पता लगा सकते होंगे। कैपिटल क्या है, ब्राजीलिया। करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। अच्छा राष्ट्रपति की बात करें तो अभी नए बने थे ये, जनवरी में मैंने आपको बताया था कौन, जेयर बोल्सोनारो। अच्छा ब्राजील जो है ना, विश्व में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें से दो रेखाएं निकलती है, कौन कौन सी गुरुजी, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बोलूंगा तो इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। अच्छा साउथ अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो फिर आंसर होगा ब्राजील। और यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई थी अभी, वहां पूछा गया था साउथ अमेरिका में सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन सा है, तो आंसर फिर से क्या होगा, ब्राजील होगा। अच्छा मैंने आपको कल भी बताया था अमेजन नदी के बारे में, याद आ रहा है, कल का वीडियो देखा होगा तो याद आएगा। वॉल्यूम यानी कि आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी, जिसे बोला जाता है सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन ही है। और यही आपकी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है, कौन, अमेजन, पहली तो नील है, ठीक है। तो ये जो अमेजन है ये ब्राजील से ही निकलती है, ये भी आप याद रखना। अच्छा आपके सात अजूबों के बारे में तो आपने सुना होगा ना, सेवन वंडर्स ऑफ द कंट्री, तो उनमें से एक ब्राजील में ही है। अच्छा कोई नाम बता सकता है मुझे उसका, फोटो से तो सबको याद आएगा, नाम बताओ, क्रिस्ट ऑफ रेडिमर कहाँ पर है, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। अच्छा रियो डी जेनेरियो से मुझे कुछ याद आया, अभी जनवरी में मैंने आपको बताया था 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी, इंग्लिश में बोलूंगा तो वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 के रूप में किसे चुना गया, रियो डी जेनेरियो को। तो ये सब आपको याद रखना है, और आप नोट करेंगे मैंने जनवरी में बहुत कुछ आपको पढ़ाया है जो अभी लिंक करके बताया है। तो रेगुलर मैं आप लोगों को कहता हूँ, जो नए बच्चे अभी जुड़ रहे हैं, जनवरी और फरवरी के करंट अफेयर्स आप देख डालो प्लेलिस्ट में जा करके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे GI टैग मिला है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन F, ये सभी के सभी। तो अभी हाल ही में इन सभी कॉफी को मिला है GI टैग। अच्छा देखो एक कॉमन वर्ड आपको सभी कॉफी में लिखेगा, क्या, अरेबिका। तो ये अरेबिका याद रख के आप थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा आप सबको कॉफी को याद रखने का। अच्छा गुरुजी आप ये तो बताओ ये सारी कॉफी है कहाँ से, यानी कि किन किन राज्यों से है? तो ऑप्शन ए वाली कॉफी आपकी कर्नाटक से है, ऑप्शन बी में क्या लिख रहा है, वायनाड रोबस्टा कॉफी। तो भाई वायनाड कहाँ पर है, केरल में, तो उससे याद हो जाएगा केरल में है। और ये ऑप्शन सी वाली कॉफी कर्नाटक से है, ऑप्शन डी वाली कॉफी जो है अरकुवेली, तो ये अरकुवेली आपके आंध्र प्रदेश में है, तो ये वहाँ की है। ऑप्शन ई वाली कॉफी आपकी कहाँ से है, कर्नाटक से है। अच्छा गुरुजी ये GI टैग क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे क्या होता है, कोई चीज़ पाई जाती है तो उसे दिया जाता है GI टैग, बेसिकली उसकी मार्केटिंग के लिए, ताकि उस एरिया की पहचान बन सके। और इससे क्या होता है, उस जगह के उत्पाद प्रोडक्ट की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे कि हमने दिया था दार्जिलिंग की चाय को GI टैग, फिर हमने दिया था पश्चिम बंगाल के रसगुल्लों को, याद होगा आपको, महाराष्ट्र के अल्फांसो आम को दिया था, जयपुर की ब्लू पॉटरी को दिया था, बिहार के सिलाव खाजा जो कि एक खाने की चीज़ है उसे दिया था। अच्छा अभी कुछ बच्चों ने, उनका पेपर हुआ था SSC CPO का, उन्होंने बताया कि गुरुजी ये जो बिहार का सिलाव खाजा है ना, जिसको GI टैग मिला है, ये हमारे प्रश्न में आ गया SSC CPO में, तो याद रखना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मार्च में हमने कुछ GI टैग दिए, कौन कौन से याद है क्या आपको, केरल के इडुक्की के मरियूर गुड़ को,
याद होगा, तमिलनाडु के इरोड की हल्दी को दिया था, कर्नाटका के उत्तर कन्नड़ की सिरसी सुपारी को भी दिया था हमने जीआई टैग। चलो आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सबसे पहला जीआई टैग हमने किसको दिया था? तो मैंने आपको बताया था दार्जिलिंग की चाय को, और कब दिया था? 2004-05 में दिया था। अच्छा एक और प्रश्न मैं पूछूं आपसे, तो बताओ देश का पहला जीआई स्टोर कहाँ पे खुला है? तो ये एक आध महीने पहले की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है तो आंसर होगा गोवा में, जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, आपको याद होना चाहिए अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते हो तो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे आईपीएल का आधिकारिक सहयोगी ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ड्रीम इलेवन। तो अभी हाल ही में 15 मार्च को बीसीसीआई ने ड्रीम इलेवन, जो कि भारत का सबसे बड़ा स्पोर्ट गेम है, उसे आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर घोषित किया है। तो नाम याद रखना ड्रीम इलेवन का। अच्छा आईपीएल का नाम आया है, आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आईपीएल की टाइटल जो स्पॉन्सरशिप है ना वो किसके पास है? तो आंसर होगा वीवो के पास है। अरे जब भी आपने आईपीएल देखा होगा तो ऊपर लिखा हुआ आता है उसके पास में वीवो, तो ये याद रखना 2022 तक वीवो के पास ही रहेगी, ये भी याद रखना 5 सालों के लिए इसके पास है। अच्छा चलो एक और प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी जो 2019 के आईपीएल होंगे ना वो इसका कौन सा एडिशन होगा, कौन सा संस्करण होगा? चलो हिंट दूं मैं आपको, तो अभी जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 होंगे ना इंग्लैंड और वेल्स में, उसका जौन सा एडिशन होगा ना वही एडिशन उसका होगा, और ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 वाला। तो फिर आंसर होगा 12वां एडिशन, 2019 के जो आईपीएल होंगे कौन सा एडिशन होगा, 12वां एडिशन होगा, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो आईपीएल की जब भी बात आती है कुछ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 6 दिसंबर को मैंने आपको बताया था आईपीएल टीम कौन सी, दिल्ली डेडेविल्स ने अपना नाम चेंज कर लिया था। अच्छा गुरुजी नाम चेंज करके क्या कर लिया था? दिल्ली कैपिटल करा था। 14 फरवरी को मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताई थी, राजस्थान रॉयल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? शेन वॉन बने थे। अच्छा गुरुजी राजस्थान रॉयल्स से आपने ये भी बताया था कि इसने अपनी जर्सी का कलर भी चेंज कर लिया था, तो कलर पहले था ब्लू फिर क्या कर लिया, पिंक कर लिया, तो ये भी आप याद रखना। अच्छा देखो नाम आया है बीसीसीआई का, तो बीसीसीआई के बारे में मैंने आपको कल भी डिटेल में बताया था, जिन्हें याद है वो मेरे साथ बोलना। स्थापना हुई थी 1928 को, इसकी फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ क्रिकेट फॉर क्रिकेट इन इंडिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है वानखेड़ा स्टेडियम में, प्रेसिडेंट कौन है, सीके खन्ना है, और सीईओ राहुल जौहरी है। अच्छा गुरुजी इसके सेक्रेटरी भी आपने बताए थे अमिताभ चौधरी हैं। अच्छा देखो अमिताभ चौधरी से मिलता जुलता एक नाम मुझे याद आता है, अमिताभ कांत। अच्छा गुरुजी कौन है अमिताभ कांत? अरे नीति आयोग के सीईओ हैं, तो ये दोनों आप याद रखना। अच्छा 24 फरवरी को मैंने आपको बताया था बीसीसीआई के पहले लोकपाल एम्बड्समैन कौन बने थे, डीके जैन बने थे, और अभी 2-3 दिन पहले यानी कि 16 मार्च को ही मैंने आपको बताया था बीसीसीआई के आंतरिक मामले सुलझाने के लिए मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर कौन बने थे, सीनियर एडवोकेट पीएस सिन्हा। और यहाँ पे एक मैंने शिवम की आपको ट्रिक बताई थी ABCD, ए का मतलब कुछ नहीं है, बी मतलब बीसीसीआई, और सी के आगे के लगा दिया, डी के आगे के लगा दिया, यानी कि CKDK क्या है, CKDK, सी के से नाम याद आता है मुझे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट का सीके खन्ना, और डी के से मुझे याद आता है जो अभी इसके पहले लोकपाल बने थे डीके जैन। तो इससे आपको याद हो जाएगा ABCD से बीसीसीआई, CKDK प्रेसिडेंट और पहले लोकपाल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन मध्य प्रदेश में पहली ट्रांसजेंडर अधिकारी बनी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संजना सिंह। तो अभी हाल ही में संजना सिंह सामाजिक न्याय एवं विकलांगजन कल्याण विभाग के डायरेक्टर की पर्सनल सेक्रेटरी बनी है, कौन? संजना सिंह। और इस तरह से संजना सिंह मध्य प्रदेश में सरकारी दफ्तर में नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, कौन? संजना सिंह, ये नाम आपको याद रखना है। अच्छा ऑप्शन ए देखो क्या है, जोईता मुंडल। भारत में पहली ट्रांसजेंडर जज बनी थी 2017 में, कहाँ से है गुरुजी ये जोईता मुंडल? पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी क्या है, स्वाति विदान बरुआ, ये आसाम की या यूं कह दूं नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली ट्रांसजेंडर जज, और देश की तीसरे नंबर की ट्रांसजेंडर जज बनी, कौन? स्वाति विदान बरुआ। इनका नाम तो आपने काफी सुना होगा, मेरे मुंह से ही 2-3 बार सुन लिया होगा। अच्छा ऑप्शन सी क्या है, गौरी सावंत, ये देश की पहली ट्रांसजेंडर मदर है। अच्छा गौरी सावंत से याद आया, 12 मार्च को मैंने आपको बताया था गौरी सावंत के ऊपर एक बुक लिखी गई थी, याद आया कौन सी बुक गुरुजी? गौरी द अर्ज टू फ्लाई, अब तो याद आया होगा। अच्छा गुरुजी से लिखा किसने था, इसके राइटर कौन थे? तो रिदम वागोली करते, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का नया गीत न्यू एंथम अभी जारी हुआ है, लॉन्च हुआ है, उसका टाइटल क्या है, उसका शीर्षक क्या है, उसका नाम क्या है? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, आई एम सपोज टू बी।
अच्छा देखो, अभी 15 मार्च को ही मैंने आपको बताया था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम 2019 कहाँ पे शुरू हुए, यूनाइटेड अरब अमीरात में। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, 200 देशों ने। तो इन 200 देशों का ऐसा भव्य स्वागत किया गया कि उसका भी एक रिकॉर्ड बन गया था। ये मैंने आपको बताया था 15 मार्च की न्यूज़ में। और अब इस विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 के लिए एक नया एंथम, नया गीत लॉन्च किया गया है, आई एम सपोज टू बी। अच्छा, कहाँ शुरू हुए ये गेम्स, यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो ये रहा यूएई, कैपिटल है अबू धाबी। अच्छा, अबू धाबी से याद आया, 12 फरवरी को मैंने आपको बताया था अबू धाबी की अदालत ने किस भाषा को अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में जोड़ा है। तो आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? हिंदी को। अच्छा, हिंदी अगर तीसरी है गुरुजी, तो पहली और दूसरी कौन सी है? तो अरबी और इंग्लिश। करेंसी क्या है यूएई की? दिरहम है। प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। अच्छा, याद रखना आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, दुबई यूएई में। अच्छा, दुबई से फिर मुझे याद आता है 5वें वर्ष दुनिया का सबसे बिजीएस्ट, सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट का दर्जा मिला इसे, किसे? दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अच्छा, ये रहा यूएई और ये रहा सऊदी अरब। मैंने आपको बताया था यूएई और सऊदी अरब में आपस में व्यापार करने के लिए एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, कोई इसका नाम बता सकता है? तो आंसर होगा एबर, ABER। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्च ने किसे अपने बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड के रूप में नियुक्त किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, SS मुंद्रा को। तो एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्चेज ने RBI के पूर्व गवर्नर कौन, SS मुंद्रा को अपने बोर्ड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष, इंग्लिश में बोलेंगे तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इट्स बोर्ड के रूप में नियुक्त किया है। अच्छा, याद रखना SS मुंद्रा RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। तो वर्तमान में RBI के डेप्यूटी गवर्नर कौन कौन है गुरुजी? तो RBI के अभी 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। कौन कौन, ध्यान से सुना, BP कानून को, वायरल आचार्य, महेश कुमार जैन और NS विश्वनाथन। अच्छा गुरुजी, ये तो है डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। अच्छा आप ये बताओ RBI के गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो याद रखना दिसंबर में ही बने थे, इंपॉर्टेंट नाम है शक्तिकांत दास। गुरुजी कौन से नंबर के? 25वें नंबर के। इनसे पहले थे उर्जित पटेल, 24वें नंबर के, उन्होंने दिसंबर में इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये एक्यूट रेटिंग एंड रिसर्चेस क्या है गुरुजी? तो ये एक रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अरुण जेटली को। तो अभी हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन, अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अच्छा गुरुजी, अरुण जेटली को ये पुरस्कार किसने दिया और इन्हें क्यों दिया? तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री कौन, मनमोहन सिंह जी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। और क्यों दिया? क्योंकि GST को सफलतापूर्वक शुरू करने के लिए उन्हें ये सम्मान दिया गया। अच्छा, ऑप्शन ए क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आपको पता होगा 20 और 21 फरवरी को ये साउथ कोरिया की यात्रा पर थे और वहां पे इन्हें सियोल शांति पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन सी क्या है, सुषमा स्वराज, हमारी विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जब स्पेन की यात्रा पर थी ना, तो इन्हें स्पेन के ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये फरवरी में मैंने आपको बताया था। ऑप्शन डी क्या है, पीयूष गोयल। तो फरवरी में हमारे रेल मंत्री, या यूं कह दूं हमारे इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके पीयूष गोयल को कार्नोट पुरस्कार मिला था, ये भी मैंने आपको फरवरी में ही बताया था। और अब याद रखना फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली को बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, जो किसने दिया है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाटो के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, नाटो का चीफ किसे बनाया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टॉड वॉल्टर्स। तो अभी हाल ही में US की जो एयरफोर्स है ना, उसके कमांडर जनरल टॉड वॉल्टर्स को नाटो का चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखना नाटो के चीफ कौन बन गए हैं, जनरल टॉड वॉल्टर्स, ये US के वायुसेना के कमांडर है। अच्छा, नाटो की बात हुई है तो नाटो की स्थापना कब हुई थी गुरुजी, 1949 को। फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और चीफ तो यही बन गए हैं जनरल टॉड वॉल्टर्स। अच्छा, नाटो से आपको कुछ याद आया, अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो देखते होंगे तो आपने 8 फरवरी का करंट अफेयर्स का वीडियो देखा होगा, वहां मैंने बताया था नाटो का 30वां मेंबर बना था कौन, मैसेडोनिया। अच्छा, मैंने क्या बोला, नाटो का 30वां मेंबर कौन बना था, मैसेडोनिया। तो आपको मैसेडोनिया से कुछ याद आया होगा, 16 जनवरी को मैंने आपको बताया था मैसेडोनिया जो एक कंट्री है उसने अपना नाम चेंज कर लिया था। अच्छा गुरुजी, मैसेडोनिया ने अपना नाम बदल करके क्या कर लिया था?
तो उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य, इंग्लिश में बोलेंगे तो रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया, ये भी आपको याद होना चाहिए। अच्छा देखो, मैं आपको रेगुलर बोलता हूँ, जो अभी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, हमारे साथ ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप जनवरी और फरवरी के जो हमारे करंट अफेयर्स के वीडियोज़ हैं उनको प्लेलिस्ट में जाकर के एक बार देख लीजिए। अपनी सहूलियत के हिसाब से एक दिन में दो वीडियो, एक वीडियो जो भी आप देख सकते हैं वो आप देख लीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं आपको इस तरह से रिविजन और लिंक करा करा करके अभी भी पढ़ाता हूँ, आगे भी पढ़ाऊंगा। तो जो पुराने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे पुराने करंट अफेयर्स के वीडियो देख रखे हैं, जब मैं उनको रिवाइज कराता हूँ तो फटाफट से उनका माइंड चीज़ों को कैच कर लेता है और वो उन चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन आपने पुराने वीडियोज़ पढ़ ही नहीं रखे, जब मैं रिवाइज कराऊंगा तो आपको उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना दूसरे बच्चों को मिल रहा है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाएं हमारे और वहाँ पे जनवरी और फरवरी के वीडियोस देख डालें, क्योंकि देखो अभी आप कर सकते हो, अभी साल चालू ही हुआ है, दो महीने ही निकले हैं, अभी आप कर सकते हो, हिम्मत दिखाओ। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाएगा ना, समय नहीं रुक रहा, आज दो महीने, कल तीन महीने होंगे, फिर चार महीने होंगे, अभी तो कर लोगे, फिर वो चार महीने नहीं होंगे, जब दो महीने नहीं हो रहे तो चार महीने कैसे हो जाएंगे, तो अभी उठो कुछ करो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आई जलवायु भेदता सूचकांक यानी क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ए और बी ऑप्शन, यानी कि असम और मिजोरम। तो अभी हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्रों के 12 राज्यों को स्टडी किया है और एक सूची तैयार की है, जिसमें से असम और मिजोरम इस जलवायु भेदता सूचकांक, इंग्लिश में बोलेंगे तो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पे है। अच्छा गुरुजी, इसमें टॉप पे रहने का मतलब क्या हो गया, ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो मतलब क्लाइमेट चेंज यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा चपेट में है ये असम और मिजोरम। भाई इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, चपेट में आना, यानी कि ये बुरी बात है। और इस सूची में सबसे नीचे है सिक्किम, वहाँ पे मतलब बाकी राज्यों के मुकाबले जो सिक्किम है ना, वो ग्लोबल वार्मिंग के इतना उसमें बुरे प्रभाव नहीं पड़ रहे हैं। अच्छा देखो, यहीं पे आपको मैं एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक जलवायु पोर्टल भी बनाएगा, जिसकी मदद से आप किसी भी देश में किसी भी जगह को जूम करके ये जान सकोगे कि उस जगह पे क्लाइमेट चेंज का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा पर्यावरण से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, तो आप मुझे बताओ हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? तो आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 2019 यानी कि वैश्विक पर्यावरण आउटलुक 2019 की रिपोर्ट जारी की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएनईपी। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो अभी हाल ही में यूएनईपी ने 6वीं ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है। अच्छा गुरु जी, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी की है यूएनईपी ने, हाँ, और ये इसकी 6वीं रिपोर्ट है, हाँ ठीक है। अरे पर इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है ये भी तो बताओ। तो सुनो, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इस 6ठी रिपोर्ट में उसने बताया है कि वाहनों, गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकल रहा है ना, उससे जो एयर पोल्यूशन बन रहा है, उस एयर पोल्यूशन से सालाना लगभग 7 मिलियन लोग मारे जा रहे हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। अच्छा इस रिपोर्ट का एक विषय भी है, थीम भी है, क्या है, हेल्दी प्लैनेट हेल्दी पीपल। अच्छा यूएनईपी के बारे में आपको बताता हूँ, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में, और इसके प्रमुख, अच्छा इसके प्रमुख से आपको याद होगा नवंबर में मैंने आपको बताया था कौन बने थे, जायस मसुआ, तंजानिया से है ये, जायस मसुआ, तंजानिया की जायस मसुआ, ऐसे मैंने आपको याद करवाया था। इनसे पहले थे एरिक सोलबर्ग, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अच्छा अगस्त 2018 में आपने पढ़ा होगा भारत के सत्या त्रिपाठी को असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनाया था यूएनईपी ने। अच्छा यहाँ से एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, चलो आप मुझे बताओ यूएनईपी फॉर इंडिया यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया की एम्बेसडर कौन है, गुडविल एम्बेसडर, सद्भावना राजदूत कौन है? तो आंसर होगा दिया मिर्जा। दिया मिर्जा तो इंडिया इंडिया के लिए है, लेकिन अगर मैं बात करूँ पूरे ग्लोबल भी, पूरे वर्ल्ड में यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन है, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, एली गोल्डिंग, सिंगर हैं ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की हथौड़ा फेंक में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विपिन कुमार ने। अच्छा गुरुजी, ये एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू कहाँ पे हुई है? तो आंसर होगा हांगकांग में, और इसमें पुरुषों की हथौड़ा फेंक में गोल्ड मेडल जीता है विपिन कुमार ने। अच्छा इसके अलावा मैं बता दूं, ये पहला गोल्ड मेडल तो किसने जीत लिया, विपिन कुमार ने, इसके अलावा एक और गोल्ड जीता है 110 मीटर बाधा दौड़ में, किसने,
फिलिप महेश्वरन थबिटा ने भारत के लिए एक और गोल्ड मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में। तो याद रखना, एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हो रही है? हांगकांग में। अच्छा गुरु जी, हांगकांग कहाँ पड़ता है ये? तो ये रहा हांगकांग। कैपिटल क्या है? हांगकांग सेंट्रल। करेंसी है हांगकांग डॉलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में UNEA की चौथी सभा कहाँ पे आयोजित की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नैरोबी, केन्या में। तो अभी हाल ही में 11 से 15 मार्च तक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा, इंग्लिश में बोलेंगे तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट असेंबली, केन्या नैरोबी में आयोजित की गई इसकी चौथी सभा। अच्छा, UNEA 2019 की थीम भी रही है। थीम क्या रही है? पर्यावरणीय चुनौतियों और स्थायी उत्पादन और खपत के लिए अभिनय समाधान। और UNEP के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम पढ़ ही चुके हैं, तो अब हम देखेंगे कल के प्रश्न का उत्तर। तो कल के वीडियो में हमने आपसे पूछा था, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, 15 मार्च को। आप सभी ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अच्छा, आज तो मैं आपको वीडियो में नाम नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कल मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, तो ये वाला पॉइंट मैं नहीं कर पाया आप लोगों के नाम नोट करने वाला। तो कोई बात नहीं है, नाम अभी मेरा लेना जरूरी नहीं है, नाम आपका जब लिस्ट में आएगा रिजल्ट वाली, वो वाला नाम इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप जितना हो सके आंसर को आप डिटेल में लिखने की कोशिश करा करो। उससे क्या होता है, आपको चीज़ें कंठस्थ होंगी, याद रहेंगी। सीधा सा फंडा है, बचपन में जब आप छोटे थे तब आपकी टीचर आपको लिखा लिखा करके याद कराया करती थी। कोई नया फंडा नहीं है, वही फंडा मैं आप लोगों से कह रहा हूं। लिखोगे तो याद आप ही को होगा, किसी को नहीं होगा। तो अब मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं हमारी पजल की ओर। ये रही हमारी पजल। आपको पता है ना कैसे सॉल्व करना है, वीडियो को पॉज करना, मैच द फॉलोइंग की तरह इसे सॉल्व करना। आपका जो भी आंसर आएगा उसको कैसे पता लगेगा वो सही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाओ, पहला ही मेरा कमेंट आपको मिल जाएगा, पिन कर रखा है, वहां पे सॉल्यूशन मिलेगा। चेक करना आंसर सही है तो वहीं पे रिप्लाई कर देना उसी कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे किन किन लोगों ने, कितने लोगों ने इस क्विज को, पजल को अटेम्प्ट किया है। अच्छा देखो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको ईमानदारी से थोड़ा सा भी बेनिफिट मिलता है ना, तो इसे आप लाइक जरूर करा करो। और लाइक करने के बाद आप इसे शेयर जरूर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिलीज में, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं सब में इसको शेयर जरूर कर दिया करो। देखो जो नए लोग हैं उन्हें मैं बता दूं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ना तो अपने चैनल का क्रिक जी के ट्रिक्स का कोई इंट्रो मैंने डाला, ना तो लाइक शेयर के लिए स्टार्टिंग में बोलता हूं, ना किसी क्वेश्चन के बीच में आप लोगों से बोलता हूं। मुझे पता है इससे मुझे ही नुकसान मिलता है, लेकिन आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, केवल आपके लिए इतना सोच करके मैं आपको कहीं पे भी ये वाली चीज आने नहीं देता हूं। तो अगर आपको लगता है कि वाकई में ईमानदारी से आपको पढ़ा रहा हूं, ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, ये सब चीजें हो रही है, तो आप भी मेरे से ईमानदारी दिखाएंगे, इसे लाइक करेंगे और सबसे बड़ी बात इसे शेयर जरूर करेंगे। जब तक आप इसे शेयर नहीं करेंगे तो मेरा भी इंटरेस्ट नहीं बनेगा, मेरा भी धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, मैं भी दिल से वीडियो नहीं बना पाऊंगा। जब तक कोई चीज दिल से नहीं करते हैं तब तक वो अच्छी नहीं बनती है। अच्छा बात करते हैं आज के प्रश्न की, 2020 में जो अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप होंगे ना, उसकी मेजबानी कौन करेगा, होस्ट कौन करेगा? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स बोरा, कोशिश करना इसके बारे में आप डिटेल में लिख सको। क्या लिख सकते हो डिटेल में? जो आपको आता है वो आप डिटेल में लिख दिया करो बिंदास। अच्छा जो लोग इसे पहली बार देख रहे हैं आप इसे सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप जरूर दबाना, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे। आप बस रेगुलरिटी बना करके रखना, कुछ दिन बाद आप ऑटोमेटिकली अपने आप मुझसे कहोगे कि गुरुजी मजा आ गया। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिक जी के ट्रिक्स।